ये पोथाचन बने शेवियर पोथाचन 23 एकरा के कोची के किला से बुलावले हवे अगर हम केहू के रिश्वत दे तो कौनो भी पुरानी चीज कमजोर पड़ सकेला है ना इंजीनियर साहब हाँ वो तो बा अब तो बस पैसा कमाए के बाकी बा अच्छा तो ओकर सब अंगूरी तोड़ दो ताकि वो अंगूरी से बजा न पावे बेटा तो के पता बा ई के बा बेचारी के पते ना आई बा ता सुना नाश सेशन के केस में इनपे खून के इल्जाम बा विक्रम मुतु हम बोलली है इनके ओके समझावे खातिर ई हमके अभिन से पूछत रहले पहले हाथ तोड़ी पैर तोड़ी फिलहाल ही लग पीस खात बाड़े करवा और चिकन करी ले बहुत गुस्सा करेली राउर बेटी ती पार कंजूर चर चुके सेबेस्टियन फेस्टिवल में आपके सुन ले रहली गलत ना कहत बानी बाद में चला कुड़ी चर्च के सेबेस्टियन फेस्टिवल में उल्लूर गैब्रियल एंजेल फेस्टिवल में और आखिरी कोटामम रॉकिंग फेस्टिवल में हम मिलल रहली बहुत दिन आप हमके फसौले रहली बहुत दिन हम बहुत बेइज्जती महसूस कैले रहली वो हमनी के आखिरी मुलाकात रहे ठीक ना हम तो इंतजार करते रहले कि पप्पन फिर से हिस्सा लेवे आइया स्टीफन तो बिना मौका देहला ही चल गईला अब लोई पप्पन ही बचल बाड़े हमके बहुत सारा हिसाब किताब करे के बा आपसे हम यहाँ कुमारन करी में पैसा के लिए ना ही आयल बानी न शराब और न सवाब के लिए बस एक बार आपके हरावे के बा हम जीतल चाहतानी ई हमार सिद्ध बा बाकी ई बार भी तोहार ऊ ख्वाहिश पूरा ना हो पाई अगला बेर अइहा हम तोहरा खातिर हार जाए नहीं पप्पन हम डेविस से वादा कैले बानी इतने साल से जन हम सिखली बचौली सुनली हम पूरा तैयारी क्या किया आयल बानी हम आपके जीते नहीं देब हम भी कुमारन करी के संत और यहाँ के लोगन से वादा कैले बानी अभी बदल ना सकेला कोनो भी कीमत पे हम हूँ खुद से वादा केले बानी की जीत के राबे सब कुछ खत्म कैला के बाद ही हम यहाँ से जाए अब देखा चला सर हे भगवान पहला बार ऐसन केहू एहिजा आइल जे शराब पिए के साथ साथ कांच भी खा गईल ई हमार जिंदगी के पहला अनुभव बा आज हम एहिजा पे एगो प्रस्ताव लेके आइल बानी डेविस बैंड के मेंबर के भाई पोथाचन उ बिना शर्त के क्लारा से शादी करी सच में पोथाचन काजू के फैक्ट्री में काम करेला हां फेस्टिवल के बाद डेविस के बैंड में काम करे के एकरा के अच्छा पैसा मिली ई स्टीफन के घर के पेपर बा रउआ के देवे खातिर आइल बानी ई सब के बदले सुसन्ना के एकरा से शादी चर्च में करवावे के जिम्मेदारी हम लेतानी ई औसेप के रउआ से वादा रहल और हाँ हाँ इतना सब कुछ कैला के बाद आपके हम लोगन से का चाही ई बहुत समझदार है बस एक ही चीज करे के बा जैसे केहू के भी नुकसान ना होखे तू बस कंपटीशन में बजावे से इनकार कर दे ऊपर वाले के हाथ है हमारे साथे में सामने जो आई वो हारी तके हारी।
हद जोन करके बा हम सब मिल के करेंगे आए के हार भी जाए अगर ई जंग में तब सर उठा के जिएंगे हाँ? बस शुरू ही होके वाला बा हाँ ये हमार पोशाक बा बहुत बढ़िया बा माँ एगो हाँ? बात पूछी तो से हाँ, ये यूनिफॉर्म के पहने के बाद हम कैसन लग रहल बानी हम बड़ा आदमी हाँ, लगता नहीं ना माँ हम तो के का कह के पुकारी माँ तू हमके आंटी कह के बुलावा का बोले तनी चाचा जब भी क्लैरिनेट बजावे खातिर उठावे ला ना तो एकर हाथ कांपे लगेला ये हम आपके लिख के दे सकत नहीं हमनी के चर्च के बैंड तो जीत ही ना पाई हमसे शर्त लगावा तनी या तू लगे बा भाई बेटा सलमान रुका था एक बात बोले के बा बेटा सलमान हमरा पता बा तू अपन पिताजी से बहुत बढ़िया बजावेला अगर कंपटीशन जीत भी जाइबा त कंपटीशन के बाद तोरा के का मिली रहुआ कितना पैसा मिला था ये सब करे खातिर तोरा के पता बा उ परिवार के का होखेला जेकरा चर्च निकाल देवेला ना तोरा अनाज मिली और ना ही चुटकी भर नमक पानी भी ना यहाँ तक के कौन बच्चा भी परिवार से बात ना करी तोहरा के और तोहरे माई के आधी रात के हिजा से निकाल दिहल जाई तोहरे संतन के तकायद में रखल गईल बा आज भी सब त्योहार के फादर और हम ही मैनेज करेनी ए क्लारा हम कैसे बजाऊनी हमने के आखिर तक पहुंचल जाई ना बोला ना पावर मिली हमके सुना सुना दूसरा राउंड में 8 टीम चुनल गईल बा हम सबके नाम पढ़ा था ही मकमम मेरी माटा बैंड के स्वागत करा था ही अगला हा व्यक्ति वाला मिसो बैंड अगला हा जनकैथिल चमायम बैंड और ये चौथे नंबर पर है मरियम बैंड ओकरा बाद अत्तू करा इरुबेला बैंड पूरी सदी चेरु पुष्पम बैंड पूर्वीथलम ओके बैंड और आखिरी में कुमार अंकरी के गिवर्गीस बैंड सर आपके खुशी खातिर हमें को काम करके आयल हैं। ऊ का सोलोमन के क्लैरिनेट के रीड निकाल के तोड़ देले हैं। अब वो होके बजा ना पाई रीड के बगैर वो बजिए ना पाई ओकर चढ़ सफाई के कामों का लोल कहके जीते के हत आपन बल पे जीता केहू के संगे बेईमानी करके नहीं निकल जा हिजा से हमके तो के बैंड में नहीं रखे के निकल जा रखते एमे हमार कौन गलती रहे हमके तो महाराज बोले रहने ई सब करे खातिर दोष ना दिहल जा सकेला कोनो बात नहीं सोलोमन अबहिन भी हमन के बाहर नहीं भेलवानी अबहिन तो हमें बस कल के बारे में सोचे के चाही कुछ भी हो जाए हम अपने लक्ष्य से भटक ना सकीले केहू सोच भी ना सकत रहे कि तू एक दिन क्लैरिनेट बजेबा हमके भी ना पता रहे कि हम बजा पाए का ये नया बा पुराना है फादर तो तू कल का बजेबा मतलब चर्च बैंड जीत जाए ठीक ना तो अपन मतलब खातिर तू हमरा हरा देबा ये ना
अब कल बजावा और हमरा के जीत के दिखावा। अरे ई का भेल बेटा, ई कैसे टूट गई? हाँ, हे ईश्वर, अब का होई? अब हम कल कैसे बजाए हमार क्लैरिनेट? टूट गई लम्मा। भाऊजी के ना हवे। हम एके कबो ना सीख पैनी, पर कल एके तू बजाई हा। काल मंच पे सबके सामने तू एके बजाई बा, ये पापा के इच्छा रहे। हमके ना पता रहे कि हमार भाई पापा से भी एक कदम आगे होगी। हमके ना पता रहे।